हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे बैंक रोड के बारे में। बैंक रोड में हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं जो HSC बोर्ड में पूछ सकते हैं, जो CET में पूछ सकते हैं, और JEE और NEET में भी पूछ सकते हैं। तो इन तीन फॉर्मूलों का जो कन्फ्यूजन है बच्चों को, अक्सर मैंने देखा है ये तीनों फॉर्मूले में बच्चे होते हैं कन्फ्यूज। तो मैं एक एक फॉर्मूले को बताता हूँ, सिग्निफिकेंस बताता हूँ और उसको शॉर्टकट कैसे याद रखना है वो भी बताता हूँ। देखो, अभी सबसे पहले जो डेरिवेशन होता है वो होता है स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि विदाउट फ्रिक्शन मतलब विदाउट फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। आप कितने सेफ स्पीड से जा सकते हो किसी बैंक रोड पे विदाउट फ्रिक्शन? तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला आता है V=√RG tan θ। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे कभी के बार हमें ये भी पूछ लेते हैं कि इसका एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा विदाउट फ्रिक्शन वाली केस में। तो एंगल ऑफ बैंकिंग देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan θ = V²/RG। ये रहा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ व्हाट? बैंकिंग, ठीक है। ये कौन सी वाले केस हो गई? विदाउट फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, विथ फ्रिक्शन, अगर हम विथ फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं, एक बैंक रोड ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, उस पर एक व्हीकल दिखा देता हूँ, ठीक है, और ये व्हीकल का ये रहा एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये इसका जो FBDA फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके ना दो स्पीड होती है, दो स्पीड हमेशा याद रखना, एक होती है मिनिमम स्पीड, एक होती है मिनिमम स्पीड और एक होती है बच्चों मैक्सिमम स्पीड। एक क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड। अब मिनिमम स्पीड क्यों? मिनिमम स्पीड से हमें इसलिए जाना होता है ताकि ये कार जो है ये नीचे ना गिर जाए। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई ब्लॉक, मान लो कोई ब्लॉक, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, हाँ, कोई ब्लॉक अगर मैं ऐसे इंक्लाइन सरफेस पर रख दूँ तो ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में नीचे आएगा, बिल्कुल। तो ये कार के केस में ऐसा हो सकता है कि अगर ये कम से कम स्पीड से नहीं गया तो ये कार ये डायरेक्शन में आएगी। तो ये डायरेक्शन में ना आए इसलिए उसको कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड से जाना चाहिए, ठीक है। अब ये मैक्सिमम स्पीड की ज़रूरत क्यों गिरी फिर? अगर आपको दिया है रोड बैंक तो ऐसा नहीं है कि आप आपके बाप के अरमान से गाड़ी चला लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक लिमिट स्पीड में गाड़ी चलाना होता है, ठीक है, अदरवाइज पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ने से पहले आपकी जो व्हीकल है वो स्किड हो जाएगी। ज़्यादा तेज़ी से अगर तुमने गाड़ी चलाया तो आपका जो ये कार है ये रोड छोड़ देती है और इधर भागती है, और इधर ना भागे इसलिए हमें Vmax डाल के रखना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये वी मिनिमम और वी मैक्स, इसके फॉर्मूले कैसे याद रखना? बड़ा ही सिंपल है, दोनों में अंडर रूट है, पहला पॉइंट। यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी RG है, यहाँ पे भी RG है, बस यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पे ऊपर के टर्म्स देख लो, मैं क्या लिखता हूँ। ऊपर के टर्म्स है tan θ, यहाँ पे है म्यू, यहाँ पे भी tan θ और यहाँ पे है म्यू, अपॉन में यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है म्यू tan θ, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे है बच्चों म्यू tan θ। अब बस यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन हमें डालना होता है, कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस। देखो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस। सर ऐसा इसको याद कैसे रखेंगे? देखो दोनों फॉर्मूले में सेम टर्म्स है, बस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस है, सिंपल है। जब आप वी मिनिमम फाइंड करते हो तो वेलोसिटी को मिनिमम करने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो डिनोमिनेटर रहा आपका ये 1+μ tan θ, यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि ये मैक्सिमम हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब मुझे वी मैक्स चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा मुझे? कम से कम। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 और tan θ, तो इसके बीच में कौन सी साइन आती है बच्चों? माइनस, जो कि इसको और कम कर देगा। आया ध्यान में? तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, वेलोसिटी ऑन अ बैंक रोड इज गिवन बाय, ये फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो, tan θ + -μ/, इसको लिखता हूँ मैं, +μ/1+μ tan θ, ठीक है। सिंपल है ये फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल है। चलो, वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।